दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से दोस्तों बीसी सखी और स्वयं सहायता समूह के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक अद्वितीय इन्फॉर्मेशन जानकारी साझा करने वाला हूं। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों सबके फायदे के लिए इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के बारे में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में बीसी सखी बहनों की नियुक्ति होनी बाकी है, जिसमें से 58,000 बीसी सखी बहनों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से ज़्यादातर बीसी सखी बहनें प्रशिक्षित और प्रमाणित हो चुकी हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं एक बेहतरीन सीक्रेट बताने वाला हूँ और एक बेहतरीन न्यूज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारी बहुत सारी बीसी सखी बहनें जो ज़्यादा पढ़ी लिखी और एजुकेटेड भी नहीं हैं, आज के समय एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर तैनात होने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सीक्रेट मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बहुत सारी बीसी सखी बहनों को रोज़गार पाने में और रोजगार देने में मदद कर रही है। दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि यूपी स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा है। दोस्तों इसका एक लोगो है, इसका एक नारा है, ग्रामीण महिलाएं प्लस ग्रामीण शैक्षिक स्तर को बढ़ावा देना, रूरल वुमेन प्लस सोशल मोबिलाइजेशन इज इक्वल टू पॉवर्टी एलिवेशन प्लस रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर गांव घर की महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा, सामाजिक रूप से जागरूक किया जाएगा, तो समाज में गरीबी का स्तर बहुत कम होगा और ग्रामीण विकास में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश रूरल लिवलीहुड मिशन का प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा चाहती है कि आने वाला समय जो है उसमें ग्रामीण स्तर पर भी एक मजबूती के तौर पर लोग खड़े हों। दोस्तों इस पोर्टल पे दो तरीके के लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि सीबीओ पोर्टल और बीसी सखी पोर्टल। सीबीओ पोर्टल क्या होता है, इसमें दोस्तों 4,00,000 से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं, यानी 4,00,000 से ज़्यादा कमिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर फैमिली स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, जो गांव स्तर और अर्ध शहरी स्तर पर बनाए गए हैं, और यहाँ से दोस्तों खुद के मास्क, सैनिटाइजर और विभिन्न तरीके की इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सरकार के द्वारा दिए हुए प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही हैं। दोस्तों नंबर दो, बीसी सखी पोर्टल। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च द स्कीम फॉर अपॉइंटिंग 1 बिजनेस करेस्पोंडेंट सखी इन ईच ऑफ द स्टेट्स 58,000 ग्राम पंचायत्स। अप्रॉक्सिमेटली 2.167 लाख बीसी सखी एप्लीकेशन रिसीव्ड। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं डिटेल करूंगा कि किस तरीके से बीसी सखी पोर्टल पर कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, उसमें से कितने लोग प्रशिक्षित होकर प्रमाण पत्र पा चुके हैं, लेकिन नियुक्ति उनकी बाकी है। दोस्तों एक दूसरा वीडियो में बताया कि नियुक्ति किस डेट से देना, ज्वाइनिंग लेटर किस डेट से देना शुरू हो जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और आई बटन में दे देता हूं, वहां से जाके आप लोग नियुक्ति लेटर के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया जो उत्तर प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय आजीविका मिशन है उसके तहत दो पोर्टल रजिस्टर्ड हैं, सीबीओ पोर्टल और बीसी सखी पोर्टल। सीबीओ पोर्टल में स्वयं सहायता समूह है और बीसी सखी पोर्टल में 58,000 ग्राम पंचायत के लिए बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स हैं, जो बैंकिंग सुविधाओं को काफ़ी अच्छे से उपलब्ध कराने के लिए ग्राम स्तर पर, ग्राम संगठन स्तर पर काम करेंगी। दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन इस पर कर रखा है और आपका नियुक्ति पत्र आना बाकी है, या फिर आप स्टैंड बाई मोड में हैं, या फिर आप 58,000 में हैं, तो आप इस एप्लीकेशन पर, जो बीसी सखी एप्लीकेशन है, या फिर वेबसाइट पर UPSRLM के लॉगिन बाय पासवर्ड, आप पासवर्ड के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं अगर आपको पासवर्ड पता है,
और आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू OTP मंगाकर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप लोग लॉगिन रोज करते रहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा अपडेट की हुई जानकारी तुरंत एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट है, अगर आप लोगों को कोई समस्या है लॉगिन से लेके या फिर किसी भी तरीके का कोई समस्या है, तो सबसे पहले आप अपने BMM ब्लॉक मिशन मैनेजर या RMM रीजनल मिशन मैनेजर से संपर्क कीजिए। अगर वो लोग इस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो आप 9260985122, जी हाँ दोस्तों 9269985122 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये जो डेटा आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर आपके मोबाइल फ़ोन पे, ये डेटा मैं BC सखी के पोर्टल से लिया हूँ, जहाँ पर कितने BC सखी, कितने CLF, कितने BU और कितने SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह रजिस्टर्ड है। दोस्तों BC सखी बहनें, इसके लिए 216628 अप्लीकेशन आया था, जिसमें से 56875 लोग पहले से चयनित किए जा चुके हैं, उसमें से 14271 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें से 13551 को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। लेकिन दोस्तों ऑनबोर्डेड और ऑपरेशनल कोई भी नहीं है। जैसा कि एक खास न्यूज़ है गुप्त सूत्रों के अनुसार, सरकार के द्वारा कि 20 मई से ज्वाइनिंग लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसी सीरीज में मैं आप लोगों को फोकस करना चाहता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप पर। दोस्तों स्वयं सहायता समूह की ज़्यादातर महिलाएँ शिक्षित नहीं होती हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंत में ऐसे सेक्रेट्स दिखाऊंगा जहां पर ज़्यादातर लोग शिक्षित नहीं हैं, लेकिन सरकार की ग्राम चुनाव पंचायती राज की प्रणाली में भागीदारी लेके विजयी भी हुई हैं। दोस्तों अभी तक 3,81,205 संस्थाएं बनाई जा चुकी हैं, और जिसमें से 2,73,805 ई रजिस्टर्ड हैं और 40,32,189 SHG मेंबर्स कुल हैं। इसी तरीके को ध्यान में रख के मैं आप लोगों को स्वयं सहायता समूह की कितनी महिलाएं अभी तक सेल्फ रजिस्टर कर चुकी हैं, कितने लोग अभी तक स्वयं सहायता समूह बना चुके हैं, इन सभी चीज़ों को मैं डिटेल कर रहा हूं। दोस्तों खास न्यूज़ वो है जो आपको अभी आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां भी आप देख रहे हैं वो दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका लोगो टैग लाइन है समूह से समृद्धि की ओर, गांव की उन्नति, गांव का विकास, अब होगा समूह दीदियों के हाथ। जी हां दोस्तों, स्वयं सहायता समूह काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस पंचायती राज चुनाव में भागीदारी किया है और काफ़ी हद तक लोग सफल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में 2675 से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें 1203 समूह सदस्यों द्वारा विजयी श्री हासिल किया गया। मिशन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे सघन प्रयासों का परिचायक है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में किस तरीके से BC सगी बहनें ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सेवाओं को मुहैया कराएंगी, ये चीज देखने लायक होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन सक्सेस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स इन पंचायत इलेक्शंस, 3521 SHG ग्रुप्स मेंबर्स कंटेस्टेड पंचायत इलेक्शन, जिसमें से 1575 इलेक्टेड हुए हैं और 476 मेंबर्स गॉट इलेक्टेड एज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, 476 स्वयं सहायता समूह की सदस्य BDC के पद पर विजयी हुए हैं, जिसमें से 22 मेंबर्स गॉट इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट एज डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर, जिसमें से 22 सदस्य DPM चुने गए हैं और जिसमें से 662 स्वयं सहायता समूह के सदस्य ग्राम प्रधान नियुक्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 662 SHG मेंबर्स गॉट इलेक्टेड एज ग्राम प्रधान। दोस्तों ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि दोस्तों किस तरीके से आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके, दोस्तों अगर सोच बड़ी है तो आप लोग कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप गांव से हैं, आप अर्ध शहरी हैं या फिर आप शहर से हैं। अगर आपके पास सुविधाएं भी नहीं हैं, सेवाएं भी नहीं हैं, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, तो आप पक्का उस काम में जरूर सफल होंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा जो भी इस तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड की जाए वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। सबके फायदे के लिए इस वीडियो को अपने सभी Facebook और WhatsApp ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों यू कैन अर्न YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।